वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मिक्सिंग इन द स्पिनिंग मिल। आज इस लेक्चर के माध्यम से हम मिक्सिंग और ब्लेंडिंग के डिफरेंट पैरामीटर को, डिफरेंट कंडीशन को और एडवांटेज को हम जानेंगे। क्या एडवांटेज है हमें मिक्सिंग और ब्लेंडिंग हमें क्यों करना चाहिए, मिक्सिंग और ब्लेंडिंग से हमें जो है क्या क्वालिटी की कंडीशन, जो हमें क्या क्वालिटी ऑब्टेंड होती है, आज इस लेक्चर के माध्यम से हम जो है जानेंगे। कॉटन फाइबर, कॉटन स्पिनिंग मिल में मिक्सिंग और ब्लेंडिंग का कितना इंपॉर्टेंस है, इस लेक्चर के माध्यम से जानेंगे। आइए देखते हैं कॉटन बेल मिक्सिंग। यहाँ पे जो है कॉटन बेल की जो है मिक्सिंग हो रही है। यहाँ पे कॉटन बेल को हम अरेंज कर देते हैं और बेल ओपनर के माध्यम से जो है लेयर टू लेयर जो है मेटल की ओपनिंग होती जाती है। ऑब्जेक्ट ऑफ मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग इन स्पिनिंग, ऑब्जेक्ट ऑफ मिक्सिंग, हम यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट ऑफ मिक्सिंग, मिक्सिंग के पर्पज को, ऑब्जेक्ट को जानेंगे कि क्या ऑब्जेक्ट है मिक्सिंग का। द की ऑब्जेक्ट ऑफ ब्लेंडिंग हैव पॉइंटेड आउट इन द फॉलोइंग, जो मेन जो ऑब्जेक्ट है, मेन पर्पज है, वो हम ब्लेंडिंग और मिक्सिंग को जो है यहाँ पे हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। ब्लेंडिंग इज यूज टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड फीचर टू द एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट यानी कुछ भी काउंट का हमें यार्न प्रोड्यूस करना है, कोई भी हमें क्वालिटी, किसी भी क्वालिटी का यार्न हमें प्रोड्यूस करना है, तो ये मिक्सिंग हमारी जो है, मिक्सिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मिक्सिंग जो है डिफाइन करती है, डिसाइड करती है कि हम मिक्सिंग को किस तरीके से अरेंज करें, मेटेरियल को किस तरीके से मिक्स करें और हमें वो एंड प्रोडक्ट जो है, जो हम बनाना चाहते हैं, वो हमें जो है क्वालिटी मिले। तो यहाँ पे जो है, जो हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जो यार्न, जो क्वालिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसमें मिक्सिंग का और ब्लेंडिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इट इज यूज टू कंट्रोल एंड डिक्रीज द यार्न प्रोडक्शन कास्ट। हम मिक्सिंग के माध्यम से हम क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं और यार्न की कास्टिंग को जो है, कास्ट को हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम इस मिक्सिंग और ब्लेंडिंग के हेल्प से कास्ट और क्वालिटी दोनों एस्पेक्ट को हम जो है कंट्रोल करते हैं। इट इज यूज टू अचीव यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ यार्न। आप किसी पार्टिकुलर लॉट को प्रोड्यूस करते हैं और वो लॉट लंबी लॉट हो, लंबे समय तक जो है उसकी का प्रोडक्शन, डे टू डे प्रोडक्शन हो रहा है, तो उस क्वालिटी कंसिस्टेंसी, जो हमारी जो क्वालिटी आज प्रोड्यूस हो रही है वही क्वालिटी कल प्रोड्यूस हो, नेक्स्ट डे प्रोड्यूस हो, ऐसा अगर हमें जो है मेंटेन करना है, उस कंसिस्टेंसी, क्वालिटी कंसिस्टेंसी चाहिए, हमें मिक्सिंग को जो है कंट्रोल करना पड़ेगा कि जो मिक्सिंग हम फर्स्ट डे जो है मिक्सिंग लगाते हैं, वही मिक्सिंग जो है सेकेंड डे एंड लास्ट डे तक हमें उस मिक्सिंग को, उस मिक्सिंग रेशियो को, उसको हमें मेंटेन करना चाहिए। तो यानी मिक्सिंग, इट इज यूज्ड टू अचीव यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ यार्न, क्वालिटी कंसिस्टेंसी, यानी यार्न की क्वालिटी में, यार्न क्वालिटी कंसिस्टेंसी को अगर हमें मेंटेन करना है, यूनिफॉर्म रखना है, तो हमें जो है मिक्सिंग को कंट्रोल करना चाहिए। इट हेल्प टू मीट फंक्शन एंड एंड यूज रिक्वायरमेंट, इट हेल्प टू मीट फंक्शन एंड एंड यूज रिक्वायरमेंट। इस क्वालिटी, इस मिक्सिंग के माध्यम से, ब्लेंडिंग के माध्यम से हम जो है एंड प्रोडक्ट का जो है क्या फंक्शन है, क्या उपयोगिता है, और एंड प्रोडक्ट जो हम बनाना चाहते हैं उसको हम आसानी से प्रोड्यूस करते हैं इस मिक्सिंग और ब्लेंडिंग के हेल्प से। इट इज एस्थेटिक सच एज टेक्सचर, फैशन, ड्रेप, लस्टर एटसेट्रा। लुक, हमारा जो अपीयरेंस है, जो हमारा यार्न है, मटेरियल है, वो कैसा जो है अपीयर हो, कैसा उसका लुक हो, फिजिकली वो कैसा अपीयर हो, फैशन में हमारी क्या डिमांड है, लस्टर क्या हो, ड्रेप प्रॉपर्टी क्या हो, ये सारी चीजें जो है मिक्सिंग से हम जो है कंट्रोल करते हैं, मिक्सिंग के हेल्प से जो है, मिक्सिंग और ब्लेंडिंग के हेल्प से हम कंट्रोल करते हैं। ब्लेंडिंग इज यूज टू डेवलप यार्न प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस। जो हमारा मटेरियल प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है मशीनों में, उसकी परफॉर्मेंस, मशीनों की परफॉर्मेंस, क्वालिटी की परफॉर्मेंस, मटेरियल की परफॉर्मेंस, मिक्सिंग पे जो है काफी कुछ डिपेंड करती है। इट इज ऑल्सो यूज टू अचीव डिफरेंट इफेक्ट बाई कैरिंग कलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइबर एंड सो ऑन। करें, इट इज ऑल्सो यूज टू अचीव डिफरेंट इफेक्ट ऑफ कैरिंग। करें कि हम इस मिक्सिंग के माध्यम से, ब्लेंडिंग के माध्यम से हम डिफरेंट जो क्वालिटी के पैरामीटर हैं यार्न के जो है, हम डिफरेंट क्वालिटी के यार्न जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मिक्सिंग।
यानी हमारे पास एक क्वालिटी, किसी भी क्वालिटी का जो है फाइबर है, उस फाइबर में हम दूसरी क्वालिटी को, दूसरे कलर को हम मिक्स करके एक डिफरेंट क्वालिटी का जो है यार्न, डिफरेंट कलर का यार्न जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हमें मिक्सिंग और ब्लेंडिंग से हमें हेल्प मिलता है। ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट होता है, रोल होता है मिक्सिंग और ब्लेंडिंग का। मिक्सिंग इन द स्पिनिंग मिल में जो है मिक्सिंग जो है कई स्टेज पे की जाती है, कई तरीके से की जाती है। फाइबर स्टेज पे मिक्सिंग, लैप मिक्सिंग, स्लाइवर मिक्सिंग, कई स्टेज पे जो है हमारी मिक्सिंग जो है की जाती है। तो यहाँ पे जो है मिक्सिंग इन द स्पिनिंग मिल में मिक्सिंग को हम देखेंगे। मिक्सिंग इज द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन द स्पिनिंग प्रोसेस। मिक्सिंग इज ए प्रोसेस बाई विच डिफरेंट ग्रेड ऑफ सेम फाइबर इज केप्ट टूगेदर। यहाँ पे जो है मिक्सिंग और ब्लेंडिंग दो चीजें, दो शब्द जो है इस्तेमाल हो रहे हैं। तो हम मिक्सिंग को यहाँ पे समझेंगे कि मिक्सिंग क्या चीज है। मिक्सिंग कह रहा है कि सेम फाइबर, यानी फाइबर की क्वालिटी सेम हो, लेकिन ग्रेड यानी फाइबर, उस सेम फाइबर में अलग अलग लाट का मटेरियल हो, अलग अलग ग्रेडिंग का मटेरियल हो। जब उन अलग अलग ग्रेडिंग के मटेरियल को, अलग अलग लाट के मटेरियल को जब हम सेम फाइबर के अलग अलग लाट के मटेरियल को मिक्स करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मिक्सिंग कहते हैं। तो कॉटन फाइबर में अगर कॉटन की दो वैरायटी, तीन वैरायटी एक साथ मिक्स की जाती है, तो उसको हम जो है कॉटन मिक्सिंग कहेंगे। तो यहाँ पे जो है आप बेल ओपनर देख रहे हैं। बेल हमारी अरेंज है, दो या तीन लाट जो है हम अरेंज कर देते हैं क्रमशः सीक्वेंस में, और बेल ओपनर के माध्यम से हमारे मेटल की ओपनिंग और मिक्सिंग जो है कंटिन्यूअस परफॉर्म होती है। यहाँ पे जो है ये आपका जो मल्टी मिक्सर है, यहाँ पे जो है रीटर की मशीन जो मिक्सिंग है फाइबर, जब हमारा ओपन हो जाता है तो अलग अलग चैम्बर में हमारा जो है मेटेरियल जो है कंटेनर में, अलग अलग चैम्बर में जो है फीड होता है, और लेयर टू लेयर जो है मेटेरियल जो है एक लेयर के ऊपर दूसरी सैंडविच पैटर्न में जो है मिक्सिंग होती है। और इस तरीके से यूनिफॉर्मिटी का फाइबर, यूनिफॉर्मिटी फाइबर क्वालिटी कंसिस्ट यार्न क्वालिटी कंसिस्टेंसी का लेवल जो है हमारा इंप्रूव हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग, मिक्सिंग के हेल्प से। व्हाट इज द मिक्सिंग इन स्पिनिंग ब्लोरूम? ब्लोरूम में जो है हमारी मिक्सिंग जो है क्या 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 होती है? इफ डिफरेंट ग्रेड ऑफ सेम फाइबर आर केप्ट टुगेदर, करके डिफरेंट ग्रेड ऑफ सेम फाइबर, यानी फाइबर हमारा क्या हो, यानी कॉटन फाइबर है तो कॉटन ही फाइबर होगा, पॉलिस्टर फाइबर है तो पॉलिस्टर ही होगा, लेकिन उस पॉलिस्टर की दो लाट या तीन लाट को हम मिक्स करेंगे या दो वैरायटी को मिक्स करेंगे। यहाँ पे जो है कॉटन फाइबर है, कॉटन फाइबर हमारा सेम जो है कॉटन फाइबर, उसकी दो या तीन वैरायटी को जब हम मिक्स करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम मिक्सिंग कहते हैं। टाइप ऑफ मिक्सिंग, मिक्सिंग जो है कितने टाइप्स की मिक्सिंग होती है? वॉल्यूम मिक्सिंग, यानी मेटेरियल के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हम मिक्सिंग करते हैं। वेट मिक्सिंग, यानी वेट 50% इस मेटेरियल का, 50% इस मेटेरियल का, यानी 3 ग्राम रैपिंग, अगर इस सपोज दैट स्लाइवर है, 3 ग्राम रैपिंग इसकी है तो 3 ग्राम रैपिंग उसकी है, अगर हम ड्रा फ्रेम पे मिक्सिंग कर रहे हैं तो। वेट वाइज मिक्सिंग, वॉल्यूम वाइज मिक्सिंग, वॉल्यूम मिक्सिंग, वेट मिक्सिंग, हैंड स्टॉक मिक्सिंग। यहाँ पे जो है आप प्रोसेस, यहाँ पे जो फिगर में देख रहे हैं कि लेयर टू लेयर फाइबर की जो है ओपनिंग की जा रही है और लेयर टू लेयर स्प्रेडिंग जो है मिक्सिंग की जा रही है। तो हैंड स्टॉक मिक्सिंग, बीन मिक्सिंग, मिक्सिंग बाय हॉपर, हॉपर के हेल्प से मिक्सिंग, लैप मिक्सिंग, लैप टू लैप मिक्सिंग, एक लैप के ऊपर दूसरी लैप, दूसरी के तीसरी ऊपर, इस तरीके से लैप टू लैप मिक्सिंग, कार्ड मिक्सिंग, कार्ड स्टेज पे जो है हमारी मिक्सिंग, एंड स्लाइवर मिक्सिंग, स्लाइवर स्टेज पे हमारी मिक्सिंग। तो इस तरीके से टाइप ऑफ मिक्सिंग में जो है हम कई तरीके से जो है मिक्सिंग के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। हमारा मेटेरियल किस रूप में है, किस स्टेज पे मिक्सिंग करनी है, इस चीज को हम ध्यान में रखते हुए मिक्सिंग के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग को हम देखेंगे। ब्लेंडिंग क्या है? ब्लेंडिंग और मिक्सिंग दोनों जो है सेम पर्पज जो है हमारा सेम है, बस डिफरेंट हो जाता है कि जब हम डिफरेंट फाइबर को, यानी ब्लेंडिंग में जो है दो डिफरेंट क्वालिटी के फाइबर होंगे। सपोज दैट अगर कॉटन है और पॉलिस्टर है, तो कॉटन हमारा नेचुरल फाइबर है और पॉलिस्टर हमारा सिंथेटिक फाइबर है, मैनमेड फाइबर है। जब इन दो फाइबर की जब मिक्सिंग करते हैं, तो इस मिक्सिंग को हम ब्लेंडिंग कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ब्लेंडिंग करते हैं। व्हेन
डिफरेंट फाइबर व्हेन डिफरेंट फाइबर ऑफ सेम आर डिफरेंट ग्रेड आर केप टुगेदर, कह रहा है कि डिफरेंट फाइबर ऑफ डिफरेंट ग्रेड आर केप टुगेदर देन इट इज कॉल्ड ब्लेंडिंग। तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्लेंडिंग कहते हैं, जब दो डिफरेंट फाइबर जो कि सेम ग्रेड के हों या अलग अलग जो है ग्रेड के फाइबर को जब मिक्स किया जाता है तो उसको हम ब्लेंडिंग कहते हैं। टाइप ऑफ ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग जो है कितने टाइप से परफॉर्म होती है, हैंड स्टॉक ब्लेंडिंग, बीन ब्लेंडिंग, लैप ब्लेंडिंग, लैप स्टेज पे ब्लेंडिंग, कार्ड ब्लेंडिंग, कार्ड स्टेज पे ब्लेंडिंग एंड ड्रॉप फ्रेम ब्लेंडिंग, ड्रॉप फ्रेम पे स्लाइवर के फॉर्म में जब हम ब्लेंडिंग करते हैं। तो इस तरीके से हम ये अलग अलग ब्लेंडिंग के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। फैक्टर टू बी कंसिडर्ड बिफोर डूइंग मिक्सिंग, यानी मिक्सिंग से पहले हम वो कौन से फैक्टर होते हैं जिनको जनरली हम कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे लेंथ ऑफ कॉटन। हमें मिक्सिंग और ब्लेंडिंग करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें यहाँ पे जो है फैक्टर टू बी कंसिडर्ड बिफोर डूइंग मिक्सिंग, मिक्सिंग को करने से पहले, मिक्सिंग परफॉर्म करने से पहले हमें किन बातों का, किन टेक्निकल पॉइंट्स का हमें जो है ध्यान रखना चाहिए। तो लेंथ ऑफ फाइबर, फाइबर की लेंथ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि फाइबर की लेंथ में ज्यादा डिफरेंस ना हो। माइक्रोनेयर ऑफ कॉटन, माइक्रोनेयर का यानी फाइबर की फाइननेस का हमें ध्यान रखना चाहिए कि फाइबर की फाइननेस में मेजर डिफरेंस ना हो। कलर ऑफ कॉटन, कॉटन के कलर का हमें ध्यान रखना चाहिए कि दो ग्रेड के, दो वैरायटी के हम कॉटन फाइबर को मिक्स कर रहे हैं उनमें कलर में बहुत मेजर वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो ये सब, ये जो है हमारे पैरामीटर हैं। तो आइए देखते हैं लेंथ ऑफ कॉटन, द लेंथ ऑफ ऑफ द फाइबर शुड बी इक्वल अदरवाइज वेरियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम विल बी क्रिएट। कह रहे कि हम जब मिक्सिंग करते हैं, मिक्सिंग या ब्लेंडिंग करते हैं, तो जब हम मिक्सिंग और ब्लेंडिंग के लिए जब दो लॉट को हम कंसीडर करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि फाइबर की लेंथ, फाइबर की लेंथ में मेजर वेरिएशन ना हो। द लेंथ ऑफ फाइबर शुड बी इक्वल अदरवाइज वेरियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम विल बी क्रिएट। फाइबर हैविंग डिफरेंट लेंथ causes the problem in the drafting zone and also in the simplex or ring frame. अगर जो है फाइबर की लेंथ में मेजर वेरिएशन है तो फाइबर जो है ड्राफ्टिंग में, ड्राफ्ट फ्रेम के ड्राफ्टिंग में, रिंग फ्रेम में और सिंप्लेक्स के ड्राफ्टिंग में जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। माइक्रोनेयर ऑफ कॉटन, द सेकेंड कंसिडरेबल फैक्टर, कह रहे हैं कि लेंथ का हम ध्यान रखेंगे, दूसरा जो है हम फाइननेस की, सेकेंड स्टेप आता है हमारे फाइननेस, फाइननेस का हम जो है ध्यान रखेंगे, फाइननेस हमारी नियर अबाउट सेम होनी चाहिए। द सेकेंड कंसिडरेबल फैक्टर फॉर मिक्सिंग इज द माइक्रोनेयर वैल्यू ऑफ फाइबर, द हायर द माइक्रोनेयर वैल्यू फाइबर आर रिगार्डेड कोर्सेस। जनरली जो है हम फाइबर के साथ जो फाइबर मिक्सिंग कर रहे हैं, मिक्सिंग के समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो माइक्रोनियर है, फाइबर की फाइननेस है, वो नियर अबाउट सेम हो। अगर हम फाइन के साथ कोर्स फाइबर को मिक्स करने करेंगे तो हमारा जो है फाइबर कोर्सर की साइड जो है जाता है। कलर ऑफ कॉटन, कलर ऑफ कॉटन, कॉटन फाइबर का जो है व्हाइटिश कलर है, येलोइश कलर है, तो कलर इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द मिक्सिंग। कलर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर भी हो जाता है। इन द केस ऑफ कॉटन इट इज मेजर्ड बाय ब्राइटनेस ऑफ द कॉटन एंड प्रेजेंस ऑफ येलो कलर इन द कॉटन। जो हमारी कॉटन वेराइटी है उसमें जो है व्हाइटिश कलर की कॉटन है और येलोइश कलर की कॉटन है, तो इसको हम अवॉइड करते हैं। जनरली हम कलर का जो है ध्यान रख के, यानी हम लेंथ का जो है लेंथ को हम कंसीडर करेंगे, फाइननेस को कंसीडर करेंगे और कॉटन, अगर कॉटन फाइबर की मिक्सिंग कर रहे हैं तो कॉटन फाइबर के कलर को हम जो है कंसीडर करेंगे कि नियर अबाउट जो है ये सिमिलर हो, नियर अबाउट जो है लेंथ माइक्रोनियर और कलर सिमिलर हो। माइक्रोनियर सीवी ऑफ द मिक्सिंग बेल, जो हम मिक्सिंग करते हैं उसमें सीवी का क्या रेंज होना चाहिए, जो है माइक्रोनियर में यानी फाइननेस में द माइक्रोनियर सीवी परसेंटेज ऑफ मिक्सिंग बेल शुड बी 5%। माइक्रोनेयर जो है सीवी का यानी जो फाइबर फाइननेस का जो कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन है, सीवी परसेंटेज है, वो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, शुड बी 5%। माइक्रोनेयर डेविएशन, जो फाइबर फाइननेस में डेविएशन की रेंज है, माइक्रोनेयर डेविएशन ऑफ कॉटन फाइबर शुड बी प्लस माइनस 0.1 और प्लस माइनस 0.5, अदरवाइज मिक्सिंग क्वालिटी कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज गुड क्वालिटी।
अदरवाइज जो है अगर इससे हम ऊपर की रेंज लेते हैं तो कॉटन की क्वालिटी को हम जो है मिक्सिंग को हम बेटर मिक्सिंग नहीं जो है क्लासिफाई कर पाएंगे। लेंथ डेविएशन, लेंथ में जो फाइबर लेंथ में जो है डेविएशन का रेंज क्या होना चाहिए, लेंथ डेविएशन शुड नॉट बी एक्सीड 10% डेविएशन फ्रॉम मिक्सिंग टू मिक्सिंग फॉर द सेम लॉट। कह रहे कि जो डेविएशन फाइबर में लेंथ में जो डेविएशन है शुड नॉट बी मोर देन 10%, 10% से ज्यादा का डेविएशन लेंथ में नहीं होना चाहिए। कलर डेविएशन, इन द मिक्सिंग टू लॉट ऑफ एडजेसेंट कलर कैन बी मिक्स्ड, जो सेम नियर अबाउट जो है कलर हमारा सेम हो उसकी हम मिक्सिंग करते हैं, मिक्स्ड सच एज व्हाइट एंड लाइट स्पॉटेड और लाइट स्पॉटेड एंड कैन बी मिक्स्ड बट व्हाइट एंड स्पॉटेड कैन नॉट बी मिक्स्ड। जो है यहाँ पे जो है व्हाइट के साथ जो स्लाइटली जो वेरिएशन है उसको हम मिक्स करते हैं और मेजर वेरिएशन को हम मिक्स नहीं करेंगे। ले डाउन, एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द ले डाउन प्लांट शुड बी सेम, दिस मीन्स द एवरेज माइक्रोनियर वैल्यू शुड बी कंट्रोल इन एवरी क्रॉस सेक्शन। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइबर मिक्सिंग इन स्पिनिंग, फाइबर मिक्सिंग का जो है स्पिनिंग में क्या मेजर इंपॉर्टेंस है, अचीविंग रिक्वायर्ड यार्न क्वालिटी एट लोवेस्ट पॉसिबल कास्ट, अचीविंग रिक्वायर्ड यार्न क्वालिटी, जो हम यार्न की क्वालिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं और रॉ मेटेरियल हमारा उस तरीके का सुटेबल नहीं है तो हम मिक्सिंग के माध्यम से जो है उस क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं, उस क्वालिटी को ऑब्टेंड करते हैं, रॉ मेटेरियल की क्वालिटी को ऑब्टेंड करते हैं, दो या तीन जो है मेटल को मिक्स करके और हम जो डिजायर्ड क्वालिटी है उसको हम प्रोड्यूस करते हैं। अचीविंग रिक्वायर्ड यार्न क्वालिटी एट लोवेस्ट पॉसिबल कास्ट, और कम से कम यानी हम क्वालिटी बेटर क्वालिटी प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे और कम से कम कास्टिंग हमारी जो है यानी हम जब मिक्सिंग करेंगे तो मिक्सिंग में हमें जो है दो बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए, कॉस्ट एंड क्वालिटी। कॉस्ट का भी हमें ध्यान रखना है और क्वालिटी का भी हमें ध्यान रखना है कि क्वालिटी हमारी जो है बेटर हो और कॉस्ट हमारी कम से कम हो। हम इस तरीके से मिक्सिंग के प्रोसेस को यानी मिक्सिंग को मिक्सिंग रेशियो को हम जो है परफॉर्म करते हैं। कंसिस्टेंसी इन यार्न क्वालिटी फॉर ए लॉन्ग रन एंड सुटेबल एंड स्टेबिलिटी इन मिक्सिंग कॉस्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए गुड मिक्सिंग। हम एक जो है जो अच्छी मिक्सिंग हमने गुड मिक्सिंग हम उसे कहेंगे जिसमें जो हमारी जो है क्वालिटी जो है क्वालिटी में जो है कंसिस्टेंसी हो और कास्ट हमारी जो है मिनिमाइज हो। वी कैन पॉइंट आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ मिक्सिंग इन बिलो, हम जो है कुछ पॉइंट्स को जो है यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। रिड्यूस कास्ट बाय मिक्सिंग ए चीप फाइबर विथ मोर एक्सपेंसिव वन, यहाँ पे जो है हम इस तरीके की मिक्सिंग परफॉर्म करेंगे कि कुछ जो है सस्ते फाइबर को हम अच्छे फाइबर के साथ मिक्स करके और हम क्वांटिटी को इम्प्रूव कर लें और कास्ट को जो है कास्ट को हम रिड्यूस करें यानी कास्ट को हम जो है रिड्यूस करते हैं कुछ गुड फाइबर के साथ चीप फाइबर को मिक्स करके। कंबाइन प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर इन ऑर्डर टू कवर अप लेस डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक इन वन फाइबर एंड गिव इम्प्रूव्ड फैब्रिक परफॉर्मेंस। कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर इन ऑर्डर टू कवर अप, कह रहे जब हम फाइबर को मिक्स करते हैं तो मिक्स क्वालिटी का जो हमें रिजल्ट आता है वो एक बेहतर जो है एक अलग जो है रिजल्ट होता है जो उस पूरे क्वालिटी को और फैब्रिक की क्वालिटी को इनहांस करता है। गिव डिफरेंट टेक्सचर एंड कलर इफेक्ट, जब हमें कभी डिफरेंट टेक्सचर की क्वालिटी चाहिए, अलग अलग टेक्सचर की क्वालिटी चाहिए, अलग अलग कलर में हमें चाहिए तो हम मिक्सिंग प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं और उस मिक्सिंग से जो है मिक्सिंग या ब्लेंडिंग से जो है हम क्वालिटी को अचीव करते हैं। इम्प्रूव वेयरिंग क्वालिटी, और वेयरिंग क्वालिटी यानी जो हम पहने जो फैब्रिक रिक्वायर्ड है और उस क्वालिटी को जो है इम्प्रूव करने के लिए हम मिक्सिंग के पैरामीटर को परफॉर्म करते हैं, मिक्सिंग को परफॉर्म करते हैं यानी ओवरऑल हम मिक्सिंग प्रोसेस में देखें तो मिक्सिंग जो है क्वालिटी के यार्न की क्वालिटी को जो है इनहांस करती है और कॉस्ट को जो है हमारी जो है कॉस्ट जो हमारी यार्न की कॉस्ट है उस कॉस्ट को जो है रिड्यूस करती है और जो ऐसे ऐसे यार्न की वो क्वालिटी प्रोड्यूस हम इस मिक्सिंग के हेल्प से कर सकते हैं जो उस पर्टिकुलर उस क्वालिटी का यार्न नहीं है लेकिन दो या तीन फाइबर को मिक्स करके वो डिफरेंट कलर डिफरेंट स्ट्रेंथ डिफरेंट फाइननेस
वो फाइननेस जो हमारी रिक्वायर्ड है, वो यार्न क्वालिटी जो रिक्वायर्ड है, वो कलर जो रिक्वायर्ड है, हम मिक्सिंग से जो है ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो मिक्सिंग और ब्लेंडिंग का इस क्वालिटी और कास्ट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है अहम रोल होता है। तो इस लेक्चर के माध्यम से मैं समझता हूँ कि मिक्सिंग और क्वालिटी को आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। थैंक यू।